हाँ जी देखेंगे। तो अब आपका जो है डिमांड में आज से क्लासेस पे हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट इज़ द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। आइए पहले इसका मतलब समझते हैं क्या है। देखिए बच्चे, कोई एक कमोडिटी है आप लेट कर लें, कमोडिटी एक्स है, तो इसकी अपनी एक डिमांड है। और जो डिमांड, बच्चे आप भी जानते हैं इस चीज़ को, समझते हैं कि डिमांड ऑलवेज कांस्टेंट नहीं रहता है। किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ भी जाती है और उसकी डिमांड घट भी जाती है। इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड के साथ में हमेशा लगा रहता है, वेरी करता रहता है डिमांड हर चीज़ के। जैसे कि इस टाइम पे आप देखोगे तो लाइक कोल्ड ड्रिंक की डिमांड बढ़ गई है, फिर एक टाइम आएगा कुछ समय बाद कोल्ड ड्रिंक की डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। तो डिमांड में चेंजेस आते रहते हैं, तो डिमांड आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेगी, चेंज होता रहता है। बट भैया बच्चे, कुछ भी तो अपने आप तो कुछ नहीं होता है, कोई ना कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर डिमांड में चेंज आया तो कुछ तो वजह हुई होंगी, तो जो वजह है ना उनको डिटरमिनेंट्स कहते हैं, उन्हें फैक्टर्स बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? तो फैक्टर क्या हो सकते हैं? बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं? दो फैक्टर, एक प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। अब बोलोगे सर ये कैसे होता है, तो आइए एग्जांपल समझते हैं इसको। लाइक ये एक कॉमोडिटी है, इसकी अपनी एक डिमांड है, लाइक 100 यूनिट की इसकी डिमांड है। जब इसकी प्राइस राइज हो जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी, तो डिमांड क्या होगी? कम हो जाएगी, डिमांड अफेक्ट हो रहा है। प्राइस अगर डिक्रीज हो गई तो डिमांड क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड अफेक्ट हो रहा है। क्यों अफेक्ट हो रहा है? प्राइस ऑफ गिवन मतलब कि जिसकी डिमांड अफेक्ट हो रहा है उसी की प्राइस की वजह से, तो इसे बोलते हैं प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। तो एक फैक्टर कौन होता है? किसी भी कमोडिटी की डिमांड में अगर चेंज आ रहा है तो सबसे बड़ा फैक्टर है, मेन फैक्टर मैं कहता हूँ उसको, वो है प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। किसी कमोडिटी की अगर डिमांड अफेक्ट हो रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर या उसका डिटरमिनेंट्स जो है, किसी कमोडिटी की डिमांड कितनी है, कितनी होगी, वो डिसाइड करने वाला जो फैक्टर है उसका प्राइस होता है। क्लियर है? समझ में आया आपको? सिर्फ प्राइस ही नहीं होता है, एक और फैक्टर होता है बच्चे, जिसको आप बोलते हैं अदर फैक्टर्स। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब अदर फैक्टर्स क्या है? लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोविड के टाइम पे आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मास्क एंड सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई थी, तो क्या वहाँ पर उसका प्राइस रिस्पॉन्सिबल था कि प्राइस उसकी रिड्यूस हुई थी इसलिए लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे थे मास्क एंड सैनिटाइजर का? नहीं, प्राइस का कोई रोल नहीं था, फिर भी उसकी डिमांड राइज हुई ना। तो अगर अदर देन प्राइस कोई और रिस्पॉन्सिबल है फैक्टर, अदर देन प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, तो उन सभी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर को हम अदर फैक्टर की कैटेगरी में काउंट करेंगे। क्लियर है? क्या कहा मैंने? नहीं आया समझ में? किसी कमोडिटी की अपनी कीमत को छोड़ करके अगर कोई और उसकी डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, उसकी कीमत का कोई रोल ही नहीं है और कोई और आगे डिमांड अफेक्ट कर दे रहा है, उन सबको हम क्या बोलेंगे? अदर फैक्टर। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, इस टाइम पर कोल्ड ड्रिंक की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसा है कि कोल्ड ड्रिंक सस्ते हो गए इसलिए लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं। क्या रीज़न है अदर देन प्राइस ऑफ गिवन गुड्स? है वेदर सीजन, तो इसको आप वेदर सीजन को किस में काउंट करोगे? अदर फैक्टर्स में। तो पता लगा, एक कम्युनिटी की डिमांड जो डिटरमाइंड होती है, जो डिटरमिनेंट्स होते हैं उसके डिमांड के, जो डिसाइड करता है उसका डिमांड, उसके लिए उसका एक प्राइस भी रिस्पॉन्सिबल होता है और कई बार उसका प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है बच्चे? लेकिन आपको अपनी स्टडी करनी है, अपनी स्टडी को कन्वीनियंट बनाने के लिए एक अजम्पशन लिया गया है कि एट अ टाइम, एक टाइम पर कोई एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई एक ही चीज़ रिस्पॉन्सिबल होगी। आप ही नहीं बोलोगे प्राइस भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, लाइक डिमांड राइज हो गया, तो आप ये नहीं बोलोगे भैया ड्यू टू प्राइस ऑफ गिवन गुड्स एंड अदर फैक्टर ऑल्सो। आप एक साथ दोनों को ही रिस्पॉन्सिबल नहीं आप ठहरा सकते, एट अ टाइम कोई एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर प्राइस ऑफ गिवन गुड्स रिस्पॉन्सिबल है तो अदर फैक्टर को आपको लिखना पड़ेगा, अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट, लिखना पड़ेगा आपको क्या? अदर
फैक्टर्स आर कांस्टेंट। क्लियर है बच्चे? और अगर अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स इज कांस्टेंट। समझ में आए बच्चे ये बात? कोई डाउट? क्लियर है बच्चे सब कुछ? कोई डाउट यहां तक? तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि दो फैक्टर हैं बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल है, एक प्राइस ऑफ गिवन गुड्स और एक अदर फैक्टर, प्राइस बढ़ने से डिमांड, और एक होता है कि अदर फैक्टर की वजह से डिमांड अफेक्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि अब आप बोलेंगे सर हमें पता कैसे लगेगा कि अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है या फिर प्राइस रिस्पॉन्सिबल है? भाई डिमांड तो अफेक्ट हो गया, ठीक है, हमें दिख भी रहा है डिमांड चेंज हो गया। अब कैसे पता लगेगा कि जो डिमांड में चेंज आया उसके लिए उसका प्राइस रिस्पॉन्सिबल है या अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है बच्चे? तो मैंने आपको बार बार, मैं इस बात को रिपीट करता रहूँगा चैप्टर के एंड तक, ये तीन वर्ड देख लो आप, एक्सपेंशन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन क्वांटिटी। अगर ये तीन में से कोई भी एक वर्ड है डिमांड लिखा हुआ आपके सेंटेंस में, तो वो जो डिमांड वेरी हो रहा है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन क्वांटिटी, ऐसा कोई भी वर्ड आपके पास है मेंशन, तो वहाँ डिमांड जो वेरी हो रहा है डी टू प्राइस ऑफ गिवन गुड्स एंड अदर फैक्टर्स आर कॉन्स्टेंट। डिमांड वेरी कर रहा है बट इन तीनों में से तीनों वर्ड मिसिंग है, कोई वर्ड नहीं है वहाँ पे, तो फिर ड्यू टू अदर फैक्टर एंड प्राइस ऑफ गिवन गुड्स इज कॉन्स्टेंट। क्लियर है बच्चे? समझ में आए? कोई डाउट? चलिए, व्हाट इज द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड का आपको मीनिंग समझना होगा, क्या होता है इंडिविजुअल डिमांड का मतलब, क्या हुआ मेरी अपनी डिमांड है ना, आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये आपकी इंडिविजुअल डिमांड है। ये आपके फ्रेंड्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो मेरे, मैं कितने सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ये चीज़ पे भी डिपेंड नहीं करता है, आप कितने पढ़ोगे ये आपकी अपनी इंडिविजुअल डिमांड है। जो लाइक एक मार्केट में आप देख रहे हो ना, कोई कितना सामान खरीद रहा है, कोई कितना खरीद रहा है, कोई बिल्कुल कम खरीद रहा है, कोई बहुत ज़्यादा खरीद रहा है, वो सबकी अपनी इंडिविजुअल डिमांड है। तो मैं अपनी इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहा हूँ, आप अपनी इंडिविजुअल डिमांड पर डिस्कशन कर रहे हो। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, कि किसी की इंडिविजुअल डिमांड अफेक्ट किन किन चीज़ों से हो सकती है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या कह रहा है इसमें? फर्स्ट कह रहा है प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। पहला, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर प्राइस राइज होगी तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। एंड जब प्राइस डिक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा, डिमांड क्या होगा बच्चे, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ना? समझ आया आपको? तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी। जनरली देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है? तो क्या कह रहा है, समझ में आया आपको कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी। किसी कमोडिटी की डिमांड जो अफेक्ट होती है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन है, उसका प्राइस। उसका प्राइस सबसे ज़्यादा उसको अफेक्ट करता है। अगर प्राइस इंक्रीज हो डिमांड डिक्रीज, और प्राइस डिक्रीज हो डिमांड, तो प्राइस जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है डिमांड उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए इसको इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं। ठीक है? तो देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्यों? प्राइस अगर आपका राइज हुआ तो डिमांड क्या हुआ, एंड प्राइस अगर डिक्रीज हुआ तो डिमांड क्या हुआ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स रिलेशन। देयर आर द इन्वर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ गिवन गुड्स एंड डिमांड फॉर इट। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी से टी इंक्रीज, इट्स क्वान्टिटी डिमांडेड विल फॉल एज सेटिस्फेक्शन ड्राइव फ्रॉम द टी विल फॉल ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइस। क्लियर है बच्चे? इतना भी लिख देंगे सफिशेंट रहेगा। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज पर हम आते हैं। अब तो बच्चे पढ़ लिए हमने प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, बट क्या यही एक फैक्टर है जिससे कि किसी कम्युनिटी की डिमांड अफेक्ट होती है, जो डिटरमाइन होती है, या और भी फैक्टर्स हैं? और भी फैक्टर, वो किस कैटेगरी में आएंगे, किस में आएंगे, वो अदर फैक्टर्स में। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं,
मीन्स अदर फैक्टर में क्या होने वाला है, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स क्या रहेगी. अब जो डिमांड अफेक्ट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, अदर अदर फैक्टर्स, ड्यू टू अदर फैक्टर्स. और प्राइस ऑफ गिवन गुड्स क्या होगा, कॉन्स्टेंट. ध्यान रखना यहां पे क्या होने वाला है, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स कॉन्स्टेंट. प्राइस ऑफ गिवन गुड्स इज कॉन्स्टेंट. क्लियर है बच्चे. अब अदर फैक्टर में क्या होने वाला है, अब मैं सारे वो डिटरमिनेंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ जहाँ पर कि कमोडिटी की अपनी प्राइस का कोई रोल ही नहीं है, वो कॉन्स्टेंट है और कोई और आकर के उसकी डिमांड को अफेक्ट कर रहा है. एक तो ये होता है बच्चे कि आपने पेपर में कुछ लिखा नहीं, इस वजह से आपके मार्क्स कम आए. और एक ये होता है कि किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया और आपको लिखने नहीं दिया, उस वजह से आपके मार्क्स कम आए. दोनों ही वजह से आपके मार्क्स कम ही आ रहे हैं. तो एक जो रीज़न क्या है, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, उसकी वजह से उसका डिमांड अफेक्ट हो रहा है. और एक रीज़न क्या होता है, भाई प्राइस का तो कोई रोल ही नहीं है, उसको तो अच्छी नॉलेज थी, लिखना चाह रहा था, पकड़ लिया उसको, जाने नहीं दिया, उसको फेल करवा दिया, उसको बाहर पकड़ करके. तो इस यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, ड्यू टू अदर फैक्टर, बेचारे प्राइस का कोई रोल ही नहीं है. तो हम अदर फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं ना, इसमें देखना प्राइस का बेचारे मासूम का कोई रोल ही नहीं रहेगा, लेकिन जो कोई और आ करके उसके डिमांड को अफेक्ट करेगा. अब कोई और आ आ करके अब आपके मन में सवाल है, कोई और कौन कौन, तो उसके लिए पढ़ते हैं हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिलेटेड गुड्स को समझिए. रिलेटेड गुड्स में बेसिकली बच्चे दो टाइप्स की गुड्स गुड्स आती हैं. रिलेटेड गुड्स में अगर आप रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं, रिलेटेड गुड्स में कितने टाइप के गुड्स होते हैं, दो टाइप के गुड्स होते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, और एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना. दो टाइप के गुड्स कौन कौन से हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. पहले आइए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे. पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स किसे कहते हैं, एग्जाम्पल समझिए. टी एंड कॉफी, कई टी के आप हैबिचुअल हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जनरली टी पीते हैं डेली बेसिस पे, टी के कंज्यूमर हैं आप, क्लियर है. तो टी तो इस कैटेगरी में आपके लिए ओरिजिनल गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा बच्चे, ठीक है. और कॉफी, अगर आपको टी नहीं मिला, कहीं घूमने फिरने गए वहाँ पे टी नहीं है, शादी ब्याह में गए चाय नहीं मिला आपको, पर कॉफी मिल रहा था, तो आपने क्या करा, अपना काम चाय की जगह पे कॉफी से चला लिया, तो आपने क्या करा, टी को रिप्लेस कर दिया किससे, कॉफी से, अपना उसी काम करने के लिए. तो कॉफी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट है, क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया. अब बच्चे किसी भी कम्युनिटी के ऊपर टैग नहीं लगा रहता कि ये ओरिजिनल है ये सब्स्टिट्यूट है. फॉर एग्जांपल मैं कॉफी का कंज्यूमर हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे मैं किसी का कंज्यूमर नहीं हूँ, कॉफी का कंज्यूमर हूँ, ठीक है ना. तो अगर मैं कॉफ़ी का कंज्यूमर हूँ तो मेरे लिए कॉफ़ी ओरिजिनल गुड्स हो गई. तो जब कभी कॉफ़ी नहीं मिलता तो मैं फिर अपना चाय से काम चला लेता हूँ, तो वहाँ पे मेरे लिए टी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी करता है कि उसके लिए क्या ओरिजिनल है और क्या सब्स्टिट्यूट है. लाइक आप बॉल पेन से लिखते हैं तो बॉल पेन आपके लिए ओरिजिनल है, जब बॉल पेन नहीं मिला बट आपको लिखना है तो आपने जेल पेन का यूज़ कर लिया, जेल पेन आपके लिए सब्स्टिट्यूट हो गया. अगर आप जेल पेन से लिखते हैं जनरली तो
तो जेल पेन ओरिजिनल है पर नहीं मिला, आपने बॉल पेन से लिख डाला, तो आपके लिए बॉल पेन हो गए सब्सटीट्यूट। समझ में आ गया बच्चे सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है? बट यहाँ पे मैं डिस्कशन सब्सटीट्यूट गुड्स की नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ डिस्कस एक ओरिजिनल गुड्स है, इसका सब्सटीट्यूट गुड्स की डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैं सब्सटीट्यूट गुड्स पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। मैं किस पर डिस्कशन कर रहा हूँ? प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। डिफरेंस है सब्सटीट्यूट गुड एंड प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स में। अब सब्सटीट्यूट गुड्स में तो मैं एग्जांपल ही ले सकता हूँ, बट प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड मीन्स मैं उसके प्राइस पर डिस्कशन कर रहा हूँ। समझ में आया बच्चे आपको? क्लियर है? एक एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास में एक ओरिजिनल गुड्स है, ठीक है बच्चे, लाइक टी, और एक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, लाइक कॉफी, ठीक है बच्चे, दो है। तो बेसिकली मैं किस पे डिस्कस कर रहा हूं? प्राइस किसका ले रहा हूं मैं? ओरिजिनल गुड्स का, सब्स्टिट्यूट का, तो मैं उसका प्राइस लिख रहा हूं। प्राइस का पहले 10 रुपीज था, किसके प्राइस पे डिस्कस करेंगे हम? सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। और डिमांड किसका लेंगे हम? मैं तो अपनी गुड्स की डिमांड पर फोकस करूंगा ना, जो मेरा ओरिजिनल गुड्स है उसकी डिमांड में क्या चेंज आ रहा है? डिमांड लाइक 100 kg या 100 कप कुछ भी लिख दो, ठीक है बच्चे। अब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट का जो प्राइस है ना वो राइस हो गया, वो 15 रुपये हो गया। क्या हुआ? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। किसके गुड्स? अब बोलोगे सर आपने सिखाया था कि अदर फैक्टर में तो प्राइस का कोई रोल ही नहीं होता है, अदर फैक्टर का रोल होता है, तो यहाँ पे तो आप प्राइस में चेंज कर रहे हो। बच्चे मैं किसकी डिमांड पे डिस्कस कर रहा हूँ? किसकी डिमांड पे? ओरिजिनल गुड्स की डिमांड डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्या मैं ओरिजिनल गुड्स की डिमांड प्राइस छेड़ रहा हूँ? उसका प्राइस का कोई रोल ही नहीं रख रहा मैं, और मैं दिखाऊंगा आपको। देखो ओरिजिनल गुड्स का प्राइस को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, जो का तो है, फिर भी इसकी डिमांड अफेक्ट हो गई है। तो यहाँ तो भैया टी के लिए तो मैं बोलूंगा जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो अदर फैक्टर ही हो गया, क्योंकि उसका प्राइस का तो कोई रोल नहीं है ना। मेरी बात समझे नहीं समझे? क्लियर है? तो इसकी कीमत का तो कोई रोल नहीं है, इसकी प्राइस तो वही है, बट किसी और की प्राइस की वजह से अगर इसकी डिमांड अफेक्ट हो रही है तो इसके लिए तो अदर फैक्टर ही हो गया भाई, इसका तो प्राइस का रोल नहीं है ना वहां पे। नहीं, मेरी बात समझे आप? क्लियर है? समझ में आया नहीं? बताइए, क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पर मैं इसके प्राइस का कोई रोल ही नहीं है, और मैं आपको अदर फैक्टर टीच कर रहा हूँ जिसमें कि मैं एक कमोडिटी लूँगा उसके प्राइस का कोई रोल नहीं दिखाऊंगा, बताऊंगा प्राइस में कोई चेंज ही नहीं आया और प्राइस कांस्टेंट है और अदर फैक्टर की वजह से चेंजेस आ रहा है। तो अगर मैं प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स का ले लूँ तो ओरिजिनल गुड्स के लिए तो अदर फैक्टर ही हो गया, क्योंकि ओरिजिनल गुड्स का प्राइस थोड़ी है। समझे नहीं समझे आप? नहीं समझ में आया? देखो ओरिजिनल गुड्स है आपका, क्लियर है? अब देखो फॉर एग्जाम्पल इसकी कॉफ़ी का प्राइस अफेक्ट हो रहा है, तो क्या आप बोलोगे कि ओरिजिनल गुड्स का प्राइस अफेक्ट हो रहा है? नहीं। तो इसके लिए तो जो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, इसके लिए तो अदर फैक्टर में ही हो गए ना, क्योंकि इसका प्राइस का तो कोई रोल नहीं है इसमें। मेरी बात समझे नहीं समझे? आप देखो कॉफ़ी के प्राइस में चेंज आ रहा है, तो क्या टी के प्राइस में कोई चेंज आया? तो टी के लिए जो ये फैक्टर है ये अदर फैक्टर में नहीं हो गया, अदर फैक्टर में आ गया ना। अदर फैक्टर मीन्स क्या होता है? मेरे प्राइस का रोल नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी है वो सब अदर फैक्टर है। अब दिखाता हूँ मैं आपको प्रूफ करके एक चीज़, प्राइस क्या हुआ? बढ़ गया, राइज हो गया। अब कॉफ़ी का प्राइस राइज होने से क्या होगा? टी कंपेटिवली चीपर लगेगी लोगों को, हालांकि टी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। एग्जाम्पल के लिए मेरी फीस जो भी है, अब बाकी सभी टीचरों की फीस जो है 5,000-5,000 रुपये हो जाए मेरे सब्जेक्ट की, हालांकि मेरे फीस में कोई चेंज नहीं आया भाई। बाकी जो टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं वो सब्स्टिट्यूट हो गए आपके लिए, सब्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूट हो गया। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, आपके लिए ओरिजिनल इंस्टीट्यूट हो गया। मैं अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ बच्चे, मेरी प्राइस जो पहले थी वही प्राइस अभी भी है, जिस प्राइस को देख करके आप पढ़ने आए वही प्राइस अभी भी आपके सामने ही है फीस।
और अदर जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे मेरे सब्जेक्ट की जो फीस है, जो मेरे वाले सब्जेक्ट की फीस अदर इंस्टीट्यूट में, वो 5,000 रुपीज़ हो गई है। क्या होगा बताओ, किसकी डिमांड बढ़ेगी? मेरी डिमांड बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? खैर आप तो कहीं नहीं जाने वाले, आप तो यहीं रहोगे, है ना। लेकिन जो लोग सब्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूट में थे उनके लिए कंफर्टेबली मैं चीपर लगूंगा, हालांकि मैं मेरा रेट नहीं डाउन हुआ भाई, मैं अपने उसी फीस स्ट्रक्चर पे हूँ, बट वो बढ़ने वजह से कंपेटिवली अब ये चीपर लगने लगेगा। उससे क्या होगा, वो अट्रैक्ट होंगे यहाँ पर और वो ट्रांसफर होंगे, क्योंकि कंज्यूमर का एक कॉमन नेचर होता है कि वो थोड़ा सा सस्ती चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, मैं हूँ चाहे आप कोई भी हो, है ना। तो यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे और ट्रांसफर होंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अब बताओ जरा, मेरी डिमांड बढ़ गई, क्या मेरी फीस का कोई रोल है, मेरे प्राइस का कोई रोल है? तो मैं तो अपने लिए यही बोलूँगा भैया, ड्यू टू अदर फैक्टर, मैं तो अपने लिए ही बोलूंगा। कॉफी बोल सकता है भैया, ड्यू टू प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, कॉफी अपने डिमांड के लिए बोल सकता है कि भाई मेरी प्राइस, अदर इंस्टीट्यूट वाले बोल सकते हैं कि भाई हमारी डिमांड कम हुई क्योंकि हमारी फीस बढ़ी थी, वो बोल सकते हैं ड्यू टू प्राइस ऑफ गिवन गुड्स। बट मैं अपनी बात कर रहा हूं ना इस केस में, तो मैं तो ये बोलूंगा ड्यू टू अदर फैक्टर, मेरी प्राइस तो सेम था, तो इसलिए मैं आपको अदर फैक्टर पढ़ा रहा हूँ। अदर फैक्टर में क्या होता है कई बार कि सब्स्टिट्यूट की प्राइस में जब चेंज आता है ना, तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड वेरी करती है। समझ में आया कैसे करती है? आप पेप्सी पीते हैं, कोक महंगा हो जाए, आपका पेप्सी के रेट में कोई फर्क नहीं पड़ा, लोग पेप्सी ज़्यादा पियेंगे, पेप्सी डिमांड बढ़ गई। कोक सस्ता हो जाए, कोक ज़्यादा सस्ता हो जाए, आप क्या करोगे? आप भी कोक पीने लग जाओगे, पेप्सी डिमांड कम होगी। हालांकि पेप्सी का प्राइस से कोई रोल ही नहीं है, फिर पेप्सी डिमांड कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? एक एग्जाम्पल समझते हैं। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैं एक ओरिजिनल गुड्स ले रहा हूँ टी, और एक सब्स्टिट्यूट गुड्स ले रहा हूँ कॉफ़ी, मैं इसकी कॉफ़ी के प्राइस पर डिस्कस कर रहा हूँ। जब कॉफ़ी की प्राइस 10 रुपीज़ से 15 रुपीज़ हो जाएगी, तो क्या होगा, टी कंपेटिवली चीपर लगेगा एंड टी की तरफ कॉफ़ी के कंज्यूमर अट्रैक्ट होंगे एंड ट्रांसफर हो जाएंगे, टी के नंबर ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज हो जाएंगे और जो टी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? तो क्या यहाँ पे टी के प्राइस का कोई रोल है? तो जो टी के डिमांड में चेंज आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में क्या कंसिडर करोगे? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या? प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? क्लियर है ना? अब एक बात बताओ, सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ी है ना, तो ओरिजिनल की भाई उसकी डिमांड गिरेगी, उसकी डिमांड गिरेगी, लेकिन आप गलती क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ा दी, आप लोगों सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ गई तो सब्स्टिट्यूट की डिमांड कम होगी, आपने ठीक कहा कम होगी, लेकिन आपका आंसर कटेगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा पता है? क्योंकि आप तो अदर फैक्टर डिस्कस कर रहे हो ना, अदर फैक्टर में तो आप ये प्रूफ करने वाले हो कि देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, फिर भी इसकी डिमांड में चेंज आ रहा है, और आप अंदर क्या लिख रहे हो, कॉफ़ी के प्राइस में चेंज आया, कॉफ़ी की इंक्रीज हुई, कॉफ़ी की डिमांड डिक्रीज हुई। बात तो आपने सही कही, डिमांड डिक्रीज हुई, बट यहाँ पर आप अदर फैक्टर थोड़ी आप डिस्कस कर रहे हो, या तो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स पे आप डिसीजन पे आ गए हो, तो इसलिए आपका क्रॉस हो जाएगा पूरा। आपको क्या बोलना है, प्राइस किसका लोगे? सब्स्टिट्यूट का, और डिमांड किसका लोगे? बोलोगे कॉफी सब्स्टिट्यूट का प्राइस राइस हुआ और ओरिजिनल गुड्स की डिमांड राइस होगी, पर ओरिजिनल गुड्स का प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया ना, तो ड्यू टू अदर फैक्टर आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हो। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो देखो सब्स्टिट्यूट की प्राइस क्या हुई, इंक्रीज, और ओरिजिनल गुड्स की डिमांड क्या हुई, क्या हुई ओरिजिनल गुड्स की डिमांड इंक्रीज। तो क्या बोलेंगे, देर आर पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स, बोल सकते हो ये? चलिए लिख देते हैं इस बात को। देर आर पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड डिमांड फॉर ओरिजिनल गुड्स। बच्चे क्लियर है ना? अगर आप सिंपल से अगर ये बात ध्यान रखोगे अपने माइंड में,
अगर आप सिंपल सी चीज़ें, अगर आप इस चीज़ों को अपने माइंड में रख, पॉजिटिव रिलेशन ध्यान रखोगे तो हमेशा मालूम सब्सिट्यूट की प्राइस राइस, पॉजिटिव रिलेशन और जंग से डिमांड राइस, इतना सोचना नहीं पड़ेगा क्या क्या हो रहा है। सब्सिट्यूट की प्राइस फॉल और जंग उसकी डिमांड फॉल, है ना, पूरा चेन नहीं पकड़ना पड़ेगा आपको, बस पॉजिटिव रिलेशन पकड़ के चलो, क्योंकि एमसीक्यूज में तो आपको डायरेक्ट अटेम्प्ट करना पड़ सकता है, ठीक है ना। एमसीक्यूज मीन्स कभी भी आप आगे इन फ्यूचर कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस करते हो, बैंकिंग का एग्जाम फेस करते हो, तो वहाँ आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ तो आपको डायरेक्ट ये चीज़ें हेल्प करेंगी, ठीक है। हाँ जी, समझ में आए बच्चे? जरा इसका डिमांड कर्व का डायग्राम बना लेते हैं, डिमांड कर्व का डायग्राम बना लेते हैं। किसका डिमांड कर्व बनाऊं मैं, ओरिजिनल का सब्स्टिट्यूट का बनाऊं, बताओ किसका डिमांड कर्व का डायग्राम बनाऊं, ओरिजिनल का सब्स्टिट्यूट का? सब्स्टिट्यूट का बनाने के लग गया तो ये तो वही बात हो जाएगी, उसका प्राइस, उसका डिमांड, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स हो जाएगा। बट मैं यहाँ डिस्कस क्या कर रहा हूँ, ऑलरेडी फर्स्ट पॉइंट में मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ प्राइस ऑफ गिवन गुड्स, बार बार थोड़ी मैं प्राइस ऑफ गिवन गुड्स डिस्कस करूँगा। अदर फैक्टर, अदर फैक्टर में मैं डिमांड किसकी लूँ, ओरिजिनल गुड्स की, और प्राइस किसकी लूँ? तो चलिए डिमांड कर्व ऑफ ओरिजिनल गुड्स, मैं टी का डिमांड कर्व बना रहा हूँ, ठीक है बच्चे। नॉर्मली डिमांड कर्व कैसे होता है, दिस वन, ये ऑलरेडी मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ बच्चे, ये कर्व ऐसा क्यों बनता है ना, डिस्कशन हो चुका है हमारा, आपके रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, आपके फ़ोन में पड़ी हुई हैं, बस आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में उसको ऑन करना है और मैं प्रकट हो जाऊंगा और क्लासेस आपको मिल जाएंगी। प्राइस क्वांटिटी, ठीक है। देखो नॉर्मली डिमांड कर्व मैंने बनाया, ये वाई एक्सिस है, एक जनरली जो आपने टेंथ में ग्राफ देखते हो वाई एक्सिस, पर यहाँ तो नेगेटिव का कोई रोल ही नहीं है ना, नहीं तो प्राइस नेगेटिव होता, नहीं तो डिमांड नेगेटिव होता है। डिमांड का भी नेगेटिव देखा आपने, आप एक दुकान पे गए और आपने खरीदने के बजाय उसको सामान दे दिया, हेलो भैया, तो डिमांड नेगेटिव का नहीं हुआ ना। प्राइस नेगेटिव का मतलब क्या होता है, आप एक आइसक्रीम खरीदने गए बदले उल्टा उसने पैसे दे दिए आपको, इसे क्या बोलते हैं, प्राइस नेगेटिव, क्लियर है। कंचक जमते हो ना जब, तो उसमें प्राइस नेगेटिव होता है, सामान लेते हो और प्राइस देने की जगह प्राइस भी मिल जाते हैं, मतलब कुछ ऐसा गिफ्ट के तौर पे आपको पैसा मिल जाता है, तो उसको प्राइस नेगेटिव। बट जनरली इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर कंसिडर करूँ तो मैं ना तो कोई प्राइस नेगेटिव जैसी कोई चीज़ होती है, ना तो डिमांड नेगेटिव जैसी कोई चीज़ होती है, क्लियर है बच्चे, समझ में आया नहीं है? तो इसलिए मैं पॉजिटिव वाले एक्सिस को मैं फॉलो कर रहा हूँ, वाई एक्सिस ऊपर वाला और एक्स एक्सिस राइट वाला, नेगेटिव वाई एक्सिस फॉलो नहीं कर रहा, नेगेटिव वाई एक्स एक्सिस फॉलो नहीं कर रहा, एंड डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, क्लियर है बच्चे। अब यहां देखिए आप कि ये ओरिजिनल गुड्स डिमांड कर रहा है, डिमांड क्या हुआ ओरिजिनल गुड्स का, बड़ा डिमांड क्या हुआ, कौन सी डिमांड, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ओरिजिनल गुड्स का डिमांड क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है बच्चे। हाँ, सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज हुआ तो ओरिजिनल गुड्स का डिमांड क्या हुआ, ओरिजिनल गुड्स का डिमांड क्या हुआ, भाई उसका प्राइस बढ़ा तो लोग तो भैया हमारी चीज़ों को प्रेफर करेंगे ना, अब हमारी चीज़ों की जो है डिमांड ज़्यादा होगी ना, डिमांड बढ़ेगा ओरिजिनल गुड्स का, तो डिमांड क्या हुआ, बढ़ा। अब आपको पता है डिमांड बढ़ा तो, लेकिन अब प्राइस, डिमांड बढ़ा तो आपको लगता है प्राइस कम हुआ तो भी डिमांड, लेकिन प्राइस का तो कोई रोल ही नहीं है, प्राइस का तो कोई, प्राइस तो आप छेड़ ही नहीं सकते, कम कर ही नहीं सकते कि भाई बता दो कि डिमांड बढ़ गया कम करके। तो जब भी अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है ना बच्चे, जब भी अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, प्राइस का कोई रोल नहीं है, तो वहाँ पे डिमांड कर्व की शिफ्टिंग होती है, डिमांड कर्व वहाँ पे शिफ्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी डिमांड में चेंज आ रहा है, किसकी डिमांड में, टी की डिमांड में, क्या उसका प्राइस रिस्पॉन्सिबल है या अदर फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ कर्व की क्या होगी, शिफ्टिंग। अगर डिमांड बढ़ रहा है, आगे जा रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो कर्व आगे शिफ्ट होगा, डिमांड अगर डिक्रीज हो रहा है तो कर्व पीछे शिफ्ट होगा, क्लियर है।
चलो क्लियर है बच्चे। अब देखो अब क्या देखने को मिल रहा है आपको, सेम प्राइस पे है ना, डिमांड आप क्या कर रहे हो, पहले से ज़्यादा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो बताओ भैया। सेम प्राइस पे डिमांड ज़्यादा हुआ नहीं हुआ, है समझ में आया डायग्राम। एक बात मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। भाई डिमांड कर्व राइटवर्ड क्यों शिफ्ट हुआ, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ, कर्व में शिफ्टिंग, शिफ्टिंग मीन्स अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, अदर फैक्टर में क्या हुआ जैसे डिमांड बढ़ जाए, तो सब प्राइस किसका, प्राइस क्या हुआ, बड़ा घटा। आप तो आप क्या बोलते हो, प्राइस ऑफ गुड्स, मैं कंफ्यूज चेक करने में, पर किसकी प्राइस की बात हो रही है भाई, ओरिजिनल गुड्स की प्राइस की बात कर रहे हो, ओरिजिनल गुड्स की प्राइस की बात कर रहे हो तो कब की तो शिफ्टिंग ही नहीं होगी, मैं फिर काटूंगा। आप बोलोगे प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड लिखोगे, बोलूंगा प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, या सब्सटीट्यूट की प्राइस अगर डिक्रीज हो जाएगी सब्सटीट्यूट की, दूसरे लोगों की कीमतें गिर जाएंगी तो यार डिमांड तो कम हो जाएगा, तो डिमांड का तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। आपने तो मैं सिर्फ यही बोला प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, भाई प्राइस सब्सटीट्यूट में प्राइस फॉल भी तो हो सकती है, तो मैं तो बोलूँगा यार डिमांड कम होगा तो मैं फिर काटूंगा आपका। मैं तो पूछा क्या है, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड, उसी वजह से डिमांड बढ़ेगा। प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड की वजह से डिमांड कम भी हो सकता है, कैसे कम होगा, देखो लो 2 रुपये प्राइस हो गया, अब इसको बोल सकते हो डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, अब क्या होगा, ओरिजिनल गुड्स कंपेटिवली एक्सपेंसिव कॉस्टली, अब क्या होगा, ओरिजिनल गुड्स से कंज्यूमर अब ट्रांसफर हो जाएंगे सब्सटीट्यूट की तरफ, नंबर ऑफ कंज्यूमर कम होंगे, डिमांड कम हो जाएगी, तो भैया सब्सटीट्यूट की प्राइस की वजह से तो डिमांड बढ़ भी सकती है, ओरिजिनल गुड्स की डिमांड घट भी सकती है, तो डिपेंड करता है कि सब्सटीट्यूट गुड्स में जो प्राइस में चेंज आ रहा है किस डायरेक्शन में आ रहा है, अगर उसकी प्राइस राइज हो रही है तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड राइज होगी, और सब्सटीट्यूट की प्राइस फॉल हो रही है तो लोग उसको प्रेफर करेंगे, ओरिजिनल गुड्स की डिमांड फॉल होगी। तो मैंने क्या पूछा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द राइट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होने का रीजन बताओ, डिमांड बढ़ने का रीजन बताओ, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चे, मैं देखिए टेक्निकल टर्म्स टेक्निकल वर्ड्स मुझे बोलने पड़ते हैं ताकि आपके रिटर्न में वो चीज़ें आए, अगर मैं देसी लैंग्वेज यूज़ करने ले जाऊँ है ना, देसी माला देखो बढ़ गया खिसक गया, तो उसमें फिर आपको लिखने वक्त में आपके पास में वर्ड्स नहीं मिलेंगे आपको, क्लियर है, समझ में आया आपको, क्लियर है, कोई डाउट। तो भैया ये टॉपिक आपका हो गया, क्लियर है ना। एक चीज और देखो, अब बच्चे इसका डायग्राम बना लोगे, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, ओरिजिनल गुड्स का डायग्राम में क्या होगा, ओरिजिनल गुड्स का डिमांड क्या होगा, डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, ओरिजिनल गुड्स की डिमांड क्या होगी, तो फिर डिमांड कर्व पीछे आएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बना लोगे डायग्राम, क्लियर है हाँ, क्योंकि अगर सब्सटीट्यूट की प्राइस फॉल होगी तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड क्या होगी, मैंने बताया था यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल कौन है ओरिजिनल गुड्स के लिए, अदर फैक्टर रिस्पॉन्स कौन है रिस्पॉन्सिबल, अदर फैक्टर में कर्व की क्या होती है शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग तो राइट वर्ड भी होता है, तो यहाँ राइट शिफ्ट करोगे लेफ्ट करोगे, क्योंकि डिमांड आपको कम करना है, तो डिमांड कम करना है तो लेफ्ट शिफ्ट कर दिया करो, डिमांड अगर बढ़ाना है तो राइट शिफ्ट कर दिया करो, अगर रिस्पॉन्सिबल अदर फैक्टर है तो, समझे, क्लियर है, कोई डाउट। एक बच्चे होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना,
आपके पास में पेन है, उस पेन में से मैं इंक निकाल दूँ सारा का सारा और फिर आपका पेन दे दूँ, क्या क्या यूज़ में रहेगा आपका उसका? कुछ नहीं। तो जो इंक और पेन है ना, ये कंबाइंड ही यूज़ होती हैं। अगर एक एब्सेंस हो जाए तो दूसरा, दूसरे की यूटिलिटी जीरो हो जाती है, दूसरे की यूटिलाइजेशन जीरो हो जाती है, ऐसे ही रहता है। तो इन बोथ गुड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे। सुनाया बच्चे, क्लियर है? लाइक थ्रेड एंड नीडल्स, सुई धागा, सिर्फ सुई आपको दे दूँ क्या कर लोगे उससे, और सिर्फ धागा दे दूँ उससे क्या कर लोगे? दोनों मिलकर के ही उसकी यूटिलाइजेशन बनती है और दोनों एक साथ ही यूज़ में आएंगी, है ना, साथ ही यूज़ में आती है ना बच्चे। तो ये सारी गुड्स क्या होती हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती हैं। लाइक कार एंड पेट्रोल, आसो सी एन जी एंड बैटरी एग्जाम्पल ले सकते हो, बट सुनो बेटर समझ में आता है कार एंड पेट्रोल से, तो कार एंड पेट्रोल ले लेता हूँ मैं, ठीक है? कार एंड पेट्रोल चलिए, मैं इसको एज अ ओरिजिनल गुड्स कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है? ओरिजिनल गुड्स, और इसको मैं कॉम्प्लीमेंट्री। भाई बात को समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसको इसको क्या कंसीडर करा मैंने? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब बच्चे देखें किसकी डिमांड पे डिस्कस क्या कर रहे हैं, प्राइस ऑफ गिवन गुड्स का टॉपिक चल रहा है हमारा या अदर फैक्टर का? प्राइस ऑफ गिवन गुड्स पहले पॉइंट में हो गया डिस्कस, अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो डिमांड अफेक्ट हो रहा है, उसका प्राइस का कोई रोल नहीं है ड्यू टू अदर फैक्टर। अब अदर फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर आते हैं, एक तो मैंने पढ़ लिया प्राइस ऑफ, मेरा नहीं मेरे सब्सिट्यूट का, मेरी डिमांड अफेक्ट करती है। एक मेरे कॉम्प्लीमेंट्री का भी प्राइस, मेरा प्राइस नहीं, मेरे कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस मेरा डिमांड अफेक्ट कर देती है। लाइक कार एंड पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इसकी डिमांड की बात करूँगा ओरिजिनल गुड्स की, और कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस की बात करूँगा, ठीक है बच्चे? अगर कॉम्प्लीमेंट्री लाइक पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो जाए, पेट्रोल बहुत महंगा हो जाए, 200 लीटर 300 रुपये लीटर हो जाए, तो आपके माइंड में कार को लेकर के क्या रहेगा? आप बोलोगे कि यार रहने दो, हम कार को अगर बाय करने का प्लान भी कर रहे थे, आप सोचोगे नहीं करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ कर लेंगे, ऐसे ही रहेगा कुछ? तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस जब आपका राइज होता है ना, तो उस गुड्स को यूज़ करना एक्सपेंसिव हो जाता है आपके लिए, है ना? तो इसलिए फिर आप उसका क्या करोगे, डिमांड डिक्रीज कर दोगे। क्लियर है बच्चे? ओरिजिनल गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो बताओ ओरिजिनल गुड्स की डिमांड क्या हुई? डिक्रीज। क्यों ये डिक्रीज? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस इंक्रीज। दोनों में रिलेशन कैसा है? इनवर्स। तो आप एक नोट लिख सकते हो, देर आर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स। क्यों बच्चे बोल सकते हो? अगर प्राइस फॉल हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए 30-40 रुपये लीटर हो जाए, तो आप भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते थे, मेट्रो तो से कार ले लेते हैं, क्या है ना? तो फिर इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो खैर इसका कार के भाई प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, ये पेट्रोल की प्राइस की वजह से इसकी डिमांड अफेक्ट हो रही है। तो ये तो कहेगा भैया मेरे प्राइस का क्या रोल है इसमें, मेरी तो डिमांड में जो चेंज आ रहा है, मैं तो ये कहूँगा भैया ड्यू टू अदर फैक्टर। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ पर एक नोट माइंड में सेट करना, किसके साथ में? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का और डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स के बीच का एक नोट आप दिमाग में रखना, इनवर्स रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ेगा तो आपका ओरिजिनल गुड्स को यूज़ करना एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड राइज होगी। कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस रिड्यूस होगा तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड रिड्यूस होगा तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड इंक्रीज होगी। क्लियर है बच्चे? समझ में आया? चलिए मैं फर्स्ट केस की डिस्कशन कर रहा हूँ, एक केस दे रहा हूँ मैं आपको, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है ना? क्लियर है बच्चे?
मैं केस दे रहा हूँ आपको भाई, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस इंक्रीज हो गई, क्या होगा? लोगों की कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड बढ़ जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री प्राइस इंक्रीज हुआ, सॉरी इंक्रीज हुआ तो कॉम्प्लीमेंट्री की डिमांड क्या होगी? कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस राइज हुई, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी? लोगों की पेट्रोल की डिमांड कम हो जाएगी। आप गलत हो गए, आप बोल तो सही रहे हो लेकिन आपको तो यहाँ उसका प्राइस और उसके डिमांड पर डिस्कशन नहीं करना ना, प्राइस किसी और का होना चाहिए। क्लियर है बच्चे? तो आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस अगर राइज होगी तो डिमांड किसका बोलोगे, क्या होगा ऑरिजिन का डिमांड? डिमांड डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो आपने कंक्लूजन निकाल लिया यहाँ पे, क्या निकाला? डिमांड ऑफ ओरिजिनल गुड्स विल बी डिक्रीज, यही होगा ना? तो डिमांड कर्व आप कैसा बनाने वाले हैं बताओ, डिमांड कर्व कैसे बनने वाला है? डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ेगा घटेगा? बस 5-7 मिनट हो। अब बच्चे बताइए, डिमांड इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ठीक है जी, ठीक है, 10 मिनट में। हाँ जी बच्चे, तो बताओ इस सिचुएशन में डाल रहा हूँ मैं आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस राइज हो गया तो डिमांड, आप ओरिजिन गुड्स का बना रहे हैं तो डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा ओरिजिन गुड्स का? डिक्रीज होगा, ठीक है। अब जो डिक्रीज हो रहा है डिमांड, से रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसका खुद का प्राइस रिस्पॉन्सिबल है, अदर फैक्टर? तो कर्व की शिफ्टिंग होगी नहीं होगी? कर्व की शिफ्टिंग कहाँ होगी? समझ में आया आपको? क्लियर है? अगर मैं आपको इस सिचुएशन में डाल दूं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस डिक्रीज हो गई तो ओरिजिन गुड्स की डिमांड क्या होगी? डिमांड कर्व कहाँ जाएगा? समझ में आया आपको ये? तो एक्सप्लेन एनी टू रीजन बिहाइंड द राइट वर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। समझ में आया? डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है भैया, शिफ्टिंग हो गई। अच्छा, अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, और दो रीजन बता दो आप बस, जिससे कि डिमांड कर्व राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए। शिफ्टिंग की किस वजह से होती है? चलो अदर फैक्टर में दो बातें बता दो जिससे कि डिमांड राइट वर्ड चला जाए। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, उससे तो ओरिजिनल उसकी डिमांड कम हो जाएगी, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। मैं तो राइट वर्ड के पीछे रीजन बोल रहा हूँ। डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। एक ही बताया आपने, एक और बता दो। और जो फिर डिस्कशन ही नहीं करना ना आपको, तो कर्व की शिफ्टिंग के पीछे मैं रीजन बोल रहा हूँ आपको। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस, अगर देखो मैं गुड्स हूँ, मेरा सब्स्टिट्यूट का प्राइस राइज हो जाएगा, मेरी डिमांड बढ़ेगा, मैं राइट वर्ड शिफ्ट हो जाऊंगा। मेरे कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस फॉल होगा तभी मेरा डिमांड बढ़ेगा, मैं राइट वर्ड शिफ्ट हो जाऊंगा। तो दो रीजन समझ में आया आपको? ये सब चीज़ें आपको रिमाइंड करनी है, लिखनी है इन सब चीज़ों को। क्लियर है बच्चे? तो अब नेक्स्ट क्लास में आगे हम अब देखो मेरी बात सुनो, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को हम क्या कहते हैं? अदर फैक्टरी कैटेगरी में आता है, और सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री बोथ को हम क्या बोलते हैं? बोथ को हम बच्चे बोलेंगे रिलेटेड गुड्स। एक गुड्स की रिलेटेड दो गुड्स होती हैं, कोई एक गुड्स है ना, कोई एक गुड्स है, तो उसके रिलेटेड कितने गुड्स होंगी? उसके रिलेटेड दो गुड्स होंगी। दो गुड्स कौन कौन सी होंगी? सब्स्टिट्यूट, हेलो, कॉम्प्लीमेंट्री। समझ में आए बच्चे? तो हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, रिलेटेड गुड्स पे डिस्कस कर रहे हैं या प्राइस ऑफ, इनके प्राइस पे, रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे डिस्कस कर रहे हैं हम सब? क्या सब्स्टिट्यूट पे डिस्कस कर रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट के प्राइस पे डिस्कस कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे डिस्कस कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस पे डिस्कस कर रहा हूँ? इसलिए बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नॉट अ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स लिखोगे पूरा कटेगा, 0 मार्क्स मिलेगा भैया, इकोनॉमिक्स में गणित की तरह नंबर मिलते हैं, या तो 0 या तो हीरो। समझे? क्लियर है? तो बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?